नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिमालय की गोद में बसा छोटा सा देश नेपाल। यहाँ के हसीन नज़ारे हर किसी को मोह लेते हैं। दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में से यह एक खूबसूरत देश है। आज हम आपको नेपाल के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिसे जानकर आप हैरान रह जाओगे। दुनिया में नेपाल का झंडा ही ऐसा है जो वर्गाकार नहीं है। इसके अलावा सभी देशों के झंडों को चार कोने होते हैं। नेपाल में दुनिया का सबसे स्लो इंटरनेट चलता है। यहाँ की डाउनलोडिंग स्पीड 256 kbps से भी कम है। साउथ एशिया का सबसे पुराना देश नेपाल, और इसमें 123 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। नेपाल में हाथ मिलाकर या गले लगाकर नहीं बल्कि हाथ जोड़कर अभिवादन करने की परंपरा है। नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू देश हुआ करता था, लेकिन कुछ साल पहले नेपाल के संविधान में संशोधन करके इसे एक सार्वभौम राष्ट्र बनाया गया। नेपाल पानी इकट्ठा करने के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। नेपाल की कई जनजातियों में एक स्त्री कई पति होते हैं और वह सबके साथ संबंध बनाती है। विश्व की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में 8 नेपाल में हैं। इसमें 8,848 मीटर की ऊंचाई वाला माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है। नेपाल में कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता क्योंकि नेपाल कभी किसी देश का गुलाम नहीं रहा। 54.6 सेंटीमीटर की हाइट वाला दुनिया का सबसे छोटा आदमी चंद्र बहादुर नेपाल का है। नेपाल में साप्ताहिक अवकाश शनिवार का होता है। सीता का जन्मस्थल मिथिला जनकपुर नेपाल में है, जहां भारत में राम जन्मस्थल में रामलला केवल एक टेंट के नीचे, तो वही जनकपुर नेपाल में सीता जन्मस्थल में विशाल सीता माता मंदिर बना हुआ है। नेपाल गोरखा 1816 से ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा है। भारत के 500 और 1000 के नोट नेपाल में नहीं चलते। नेपाल का सबसे फेमस फास्ट फूड मोमो है। नेपाल में खाना खाने के लिए उल्टे हाथ का प्रयोग नहीं किया जाता। सबसे ज़्यादा देर तक हाथ मिलाने का रिकॉर्ड 2 नेपालियों के नाम है। इन्होंने 42 घंटे 35 मिनट तक हाथ मिलाया था। आधे से ज़्यादा नेपाल ऐसा है जिसने कभी दारू नहीं पीकर देखी है। नेपाली औरतें सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये में अपना जिस्म बेचने के लिए तैयार हो जाती है, और भारत के यह लगभग 50 रुपये के बराबर है। हर भारतीय विदा उट पासपोर्ट और वीज़ा के नेपाल जा सकता है, और हर नेपाली विदाउट पासपोर्ट और वीज़ा भारत आ सकता है। यह दोनों सरकार के बीच हुई एक समझौते के तहत ट्रीटी हुई थी। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।